नमस्कार हमारे एसएससी जीडी के फौजियों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की जो आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए मैथ्स यानी गणित की वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, बार बार पूछे गए हैं, हर बार रिपीट होते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। और आपका टारगेट है कि हमें मैथ में 25 में से 25 स्कोर करना है, ये हमने टारगेट लिया है और इस टारगेट को हम जरूर अचीव करेंगे। जब आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे तो जरूर सिलेक्शन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, क्यों रुक जाते हैं चार दिन की मेहनत के बाद। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑनलाइन फॉर्म आ गए तो तैयारी शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, फुल जोश दिखा देंगे कि हम एसएससी जीडी में लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या कर देंगे, वो तैयारी को छोड़ देते हैं। लेकिन उनको एक बात नहीं पता कि फसल को, बीज को फसल बनने में क्या लगता है, समय लगता है, वक्त लगता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे आप मोस्टली गांव से हो, ठीक है, आपने किसानी देखी होगी कि हम बीज बोते हैं उसके लिए काफी समय वेट करते हैं, 4 महीने 5 महीने 3 महीने उसके लिए वेट करते हैं तब फसल बनकर तैयार होती है। तो उसी तरीके से 3 महीने 4 महीने आपको जमकर मेहनत करनी होगी तभी आप एसएससी जीडी 2021 में जो आपका ये वाला टारगेट है ना, ये वाला, ठीक है, उसको अचीव कर पाओगे। तो जो लक्ष्य बनाया है ना उसको जब तक ना भेद डालो तब तक रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा इनमें बदलाव किया जाता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चंस, क्या है कि यदि x² 9y² बराबर है आपका 6xy, तो x और y का अनुपात क्या होगा ये हमें बताना है। लग रहा होगा आपको हार्ड क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ये हमें दिया गया है कि x² + 9y² बराबर है 6xy। बहुत सारे स्टूडेंट है जो एसएससी जीडी वाले xy देख के ही घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, आपके लिए इजी बनाऊंगा, जितना बेसिक से मैं आपको करवा सकता हूं जो पेपर के हिसाब से सही होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हमें नहीं करवाना, हमें इस तरीके का सॉल्यूशन है कि कम समय में भी हो जाए और अच्छे से सबको समझ में भी आ जाए। तो ये लिखा हुआ है, तो इसको अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो x² + 9y² या इधर आएगा तो माइनस का 6xy बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी, ये x² है, ये y² है, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर है। देखिए क्या है, a² है, b² है, माइनस का 2ab है। अब 2ab एक कैसे है वो मैं आपको बताता हूं, x² और ये किसका फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर का, ठीक है, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला था। इसी तरीके से यहां पर a है कितना, x है, और यहां पर 9y² है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहां पर b का मान कितना है, यहां पर 3 है, तो ये हो जाएगा x - 3y, ठीक है, x - 3y, और ये स्क्वायर है और बराबर क्या दिया हुआ हमें, 0। ये है, इसको देख लीजिए, इसको तोड़ लेते हैं तो क्या हो गया, 2 × 3xy, ठीक है, तो 2 2, a का मान कितना है x, b का मान कितना है 3y, तो 3y हो गया, ठीक है, इस वजह से ये हमने यहां पर लिखा है। बस ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, ऐसा नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा यहां से सॉरी जस्ट एक सेकंड, ओह, तो यहां से हमें क्या करना है, देखिए क्या है, ये वाला है, तो ये कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 3y हो गया, y को इसके नीचे ले आएंगे, x / y हो जाएगा, बराबर इधर बच गया 3, इधर क्या बच जाएगा आपका 1। तो हमसे यही पूछा था x और y का अनुपात क्या होगा, x और y का अनुपात हो गया 3:1 हो गया, ठीक है। वैसे मैं क्लासेज में आपको सारी छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा जब हम अनुपात की क्लास लेंगे ना उस समय, तो 3:1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 1:3 दिया हुआ है, वो हमें नहीं लिखना, हमें 3:1 ही लिखना है। ये चीजें सीख जाओगे तो पेपर में आप आसानी से कभी भी मात नहीं खाओगे। समझ में आ गया कैसे किया, ठीक है। और बाकी क्लासेज में जबरदस्त तरीके से बहुत अच्छी अच्छी क्लास मैंने आपके लिए तैयार कर दी है। देखिए आगे देखिए क्या है कि 8 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात करें। मतलब कि 8 से गुणा करने के बाद उसका औसत क्या रहेगा, 8 संख्याएं हैं, 8 से ही गुणा किया गया है और उनका औसत क्या है, 27 है। तो पहले औसत 27 था, अब 8 से गुणा कर दिया गया तो 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये
ये आपका 216 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ में आ गया, 27 8 216 होता है, ठीक है, यही होगा आपका। समझ में आ गया, तो बाकी और वैसे इसको भी कर सकते हो। देखिए एक तरीका आपको और बताता हूं कि 27 को 10 से गुणा करेंगे 270 आएगा अधिकतम। ये 270 से बड़ा है, ये 270 से बड़ा है, ये 270 से बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 216 ही हो जाएगा, गुना भी नहीं करनी पड़ेगी। ये होती है ट्रिक्स, जब क्लासेज होंगी ना तब बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाला हूं, और कल से ही क्लासेज आ रही है, ठीक है। क्या है कि एक गाइडर पर 3600 अंकित है, एक गाइडर है उस पे क्या है 3600 अंकित किया गया है, 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, ठीक है, 10% की छूट दी मतलब 90% में बेचा, तो 3600 को कितने प्रतिशत में बेचा, 90% में बेचा, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, यहां से देखेंगे जीरो, 9 6 4 27 और 5 32, यानी 3240 में बेचा, लेकिन हमसे क्या बोला गया है, तो विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, क्या हुआ उसको 8% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य क्या था ये हमें बताना है। 8% का लाभ मतलब, लाभ मतलब 100 में जोड़ेंगे, तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, 108 का मान कितना है जो बेचा है, कितने में 3240 में बेचा है, हम मान किसका निकालना है 100 का निकालेंगे, तो हम 100 का निकालेंगे तो इसको 100 से गुना कर देंगे, इसको काटेंगे तो ये कितने पे कट गया 3 पे, 30, 30 गुना 100 कितना हो गया 3000 रुपए, ठीक है, यही हमसे पूछा गया था कि उसका लागत मूल्य क्या है 3000 रुपए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। समझ में आ गया, ठीक है, और ये भी एसएससी जीडी में ही पूछा गया, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, बार बार ये छूट वाला देख लेना किस तरीके से हमने किया कि 10% की छूट दे रहा है, मतलब क्या है कि 90% में बेच रहा है, और 90% में बेचने पर भी क्या हो रहा है उसको 8% का लाभ हो रहा है, तो 90% में इतने में बेचा 8% का लाभ मतलब 108 का मान है, तो लागत मूल्य पूछा तो 100% का मान निकाल देंगे। बात नोट कर लेना, किसी भी वस्तु का जो लागत मूल्य होगा, ठीक है, लागत मूल्य होगा वो अपने आप में क्या होगा 100% होगा, ठीक है, कितना प्रतिशत होगा 100%। आगे देखिए क्या है कि एक पति पत्नी की औसत आयु विवाह के समय 23 वर्ष थी, तो पति पत्नी है दो हैं, उनकी औसत आयु कितनी थी 23 वर्ष थी, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 46 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद बोला गया कि 5 वर्ष के बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों की क्या थी 5 वर्ष के बाद एक बच्चा भी था, तो मतलब कि अब क्या हो गए 3 हो गए सदस्य, और 5 साल बाद 3 सदस्य हो गए आपके यहां पर, 5 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो पति पत्नी है उनकी 5 5 साल बढ़ जाएगी, 5 साल पति की बढ़ जाएगी, 5 साल पत्नी की बढ़ जाएगी, और 1 साल का बच्चा है, तो कुल कितनी 11 साल बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो 11 इसमें जोड़ेंगे तो अभी कितनी है उनकी 57 वर्ष है, ठीक है, अभी जो 3 सदस्य हैं उनकी कितनी है 57 वर्ष है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, अगर अब हमसे पूछता ना कि अभी उनकी औसत आयु कितनी है, तो 3 को 3 से इसको डिवाइड कर देते, 3 से डिवाइड कर देते 19 हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्य के परिवार की औसत आयु कितनी थी, तो बच्चे का जन्म कब हुआ है 1 साल पहले, ठीक है, तो 1 साल पहले इसमें घटा देंगे, औसत आयु में 1 घट जाएगा क्योंकि तीनों की में, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 वर्ष हो जाएगा, तो औसत आयु कितनी थी 18 वर्ष हो जाएगी। या ऐसे भी कर सकते हो, देखिए 3 सभी का 1 1 साल पीछे लेके जाना है, तो तीनों का 1 1 साल पीछे 3 साल पीछे, तो 57 में से 3 घटा देंगे कितना आ गया 54, 3 से भाग देंगे तो 18, क्योंकि पूछा है ना तीनों का, ठीक है, उस समय तीनों सदस्यों की परिवार की औसत आयु कितनी थी, तो 18 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि यदि बिक्री मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो लागत मूल्य पर लाभ कितने प्रतिशत का होगा। मान लेते हैं बिक्री मूल्य मतलब जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, ठीक है, लाभ 20% का हुआ है तो 20% का लाभ हमने मान लिया, तो वस्तु कितने की थी, लागत मूल्य कितना था उसका 80 रुपए। क्या है कि यहां पर 20 रुपए का फायदा हो रहा है 100 पे, ठीक है, 100 पे 20 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मतलब लागत मूल्य कितना था 80 रुपए था। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना है 20 का, किस पे पूछा है लागत मूल्य पे 80 है लागत मूल्य, प्रतिशत के लिए 100 से करेंगे, 20 चौके 80, 4 से काटा
25 पे, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25 प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, कितने प्रतिशत का, 25 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना कि 100 रुपए हमने विक्रय मूल्य माना, 20 प्रतिशत का लाभ हो रहा तो 20 का लाभ हो गया, ठीक है, क्योंकि 100 का जितना प्रतिशत उतना ही प्रतिशत, तो 20 का लाभ, तो वस्तु कितने में खरीदी, 80 में खरीदी, 80 में खरीदी थी जो लागत मूल्य था, 100 में बेची तभी तो 20 का लाभ हुआ, ठीक है। तो अब हिस्से पूछा है कि 20/80 × 100 25%, समझ में आ रहा है ना, बस इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए क्या है, एक दुकानदार ने एक टीवी सेट 2000 में और एक रेडियो 750 में खरीदा, वह टीवी 20% के लाभ पर और रेडियो को 5% की हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि कितना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है यहां पर, एक दुकानदार ने टीवी खरीदा उसको 2000 रुपए में और रेडियो को 750 में, तो कुल कितने उसने रुपए खर्च किए, 2750 रुपए खर्च किए, ठीक है। टीवी को क्या कर रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो टीवी के 20% का लाभ मतलब 400 रुपए, ठीक है, 20% कितना हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा, मतलब कि टीवी को 2400 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। और जो आपका रेडियो है उसको 5% की हानि पर, मतलब कि 95% में बेच रहा है, 750 का 95% निकाल लेंगे, ये थोड़ा पॉइंट में आएगा इसलिए मैंने आपको यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, वरना आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। काटेंगे जी, पहले इसको 5 से काट देते हैं, 19 पे गया, इसको 5 से काटेंगे 20 पे गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इन दोनों को गुना करना है और हमें 2 से डिवाइड करना है, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये 20 होता तो 1500 होता, 1500 में 75 घटा देंगे तो 1425 आएगा, आप गुना करके देख लेना, मैंने तो कर लिया है, आप गुना करके देख लेना, 1425 ही आएगा, 1425/2 इसको करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 712.5 रुपए में बेचा, ठीक है, एक को 2400 में बेचा, एक को 712.5 में बेचा, तो हम इनको जोड़ लेते हैं कि कुल कितने रुपए में बेचा है, ठीक है, 712.5 रुपए में, तो यहां पर कुल बेचा है 3112.5 रुपए में बेचा है, ठीक है, 3112.5 रुपए में बेचा है, खरीदा कितने में था, 2750 में, इतने में बेचा है तो लाभ होगा, तो हानि तो होगी नहीं, ठीक है, हानि तो होगी नहीं। अब इसमें से ये हमें घटाना है, तो इसमें से ये घटाएंगे, 3112.5 में से 2750 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 362.50, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, घटा के देख लेना, बिल्कुल सही है, इतना सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पिछले वाला। देखिए क्या है कि एक प्रेप स्कूल में 50 छात्रों के बीच 30 लड़कियों का औसत वजन 16 किलोग्राम है, 30 लड़कियां हैं उनका औसत वजन कितना है, 16 किलोग्राम, मतलब कि कुल कितना हो गया, 480 किलोग्राम हो गया। आगे देखिए क्या है, शेष ये 16 किलोग्राम हो गया, शेष छात्रों का वजन है 15.5, शेष कितने बच गए, कुल है 50 जिसमें 30 का हमने निकाल लिया, तो अब कितना बच गया, 20 बच गया, उनका कितना है 15.5, तो 15.5 कितना हो जाएगा, ये 310, क्योंकि 20 को 15 से गुना किया 300 और आधे को 20 से गुना किया 10, तो 310 हो गया। अब हमसे पूछा है तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा, तो जोड़ लेते हैं कितना हो गया, यहां पर 790 हो गया, ठीक है, और स्टूडेंट कितने हैं, 50, औसत पूछा है निकाल देंगे, 790/50, तो 790/50 जीरो से जीरो, 7 से काटेंगे, 7 × 7 2 बच गया, ठीक है, सॉरी 5 से काटना है ना, 5 × 5 2 बच गया, 5 × 5 = 25, 4 बच गया, 5 × 8 = 40, तो 15.8 किलोग्राम, तो कितना हो जाएगा, 15.8 किलोग्राम हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया कि सभी का औसत कितना हो जाएगा, 15.8 किलोग्राम, समझ में आ गया, पहले का था कितना 16, फिर था 15.5, कुल निकालना है कितना हो जाएगा, ये आपका 15.8 किलोग्राम। आगे देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इनको देख के घबरा जाते हैं कि इनमें कुछ दिया हुआ नहीं, लेकिन बिल्कुल इजी होते हैं। देखिए क्या है कि दो संख्याओं का योग है आपका ए है, तो दो संख्याएं हमने मान ली कि एक्स और वाई है, ठीक है, उनका योग मतलब जोड़ है वो क्या है, ए है। आगे देखिए, और गुणनफल भी है, गुणनफल मतलब गुणा, x इंटू वाई कितना हो जाएगा, b है। आगे बोला गया है
तो उनके व्युत कर्मों का योग क्या होगा? व्युत कर्म मतलब उनके उल्टे कर्मों का योग क्या होगा? अब देखिए x को उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एक बटे एक्स, योग पूछा है तो प्लस में, और एक प्लस बटे वाई। इनका एलसीएम लिया, एक्स वाई आ गया, एक्स से एक्स कट गया वाई, और इधर बच गया एक्स। तो यहां पर देखिए एक्स प्लस वाई हो या वाई प्लस एक्स हो, क्योंकि देखिए दो प्लस तीन हो तो भी पांच आएगा, तीन प्लस दो हो तो भी पांच आएगा, तो आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में, ठीक है। तो यहां पर x प्लस वाई का मान क्या है, ये हमारा आया था a, और x इंटू वाई का मान क्या है, b है। तो यहां पर इसका मान हो जाएगा a, इसका मान हो जाएगा b, तो a बटे b आपका आंसर हो जाएगा, a बटे b, ऑप्शन नंबर c आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ये आपके एस एस सी जी डी में इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर दो करवा दिए हैं, ठीक है, अभी और क्वेश्चंस का आपको करवाने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस जबरदस्त हैं, तो क्लास को कंप्लीट देखते रहना। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरा, पांच मिनट देख लिया, लग गया कि हाँ हो जाएगा आप सब कुछ, ऐसे कुछ नहीं होगा। क्लासेज को देखोगे, क्वेश्चंस को समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि बीज से फसल बनने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। देखिए क्या है कि 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है, तो 160 छात्रों के लिए 10 दिन की सामग्री है तो कुल इतना हो जाएगा, जो राशन है इतना हो गया। यदि 40 छात्र और शिविर में आ जाते हैं, 40 और आगे, 160 पहले से ही थे, अब 40 और आगे, तो कितने हो गए कुल, 200 छात्र हो गए। तो ये कितने दिन चलेगा, ये हमसे पूछा है, तो काटेंगे 8 पे, तो कितने दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 8 दिन चलेगा, तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, 8 दिन चलेगी, क्योंकि अगर 160 था तभी 10 दिन चलती, अब 40 और आगे 200 हो गए तो 8 दिन चलेगी। देखिए क्या है कि तीन नल एबीसी एक टैंक को 4, 6, 12 घंटे में भरते हैं, तो ए है 4 घंटे में, बी 6 घंटे में, और सी है वो 12 घंटे में भरता है। एलसीएम ले लेंगे, 12 आ गया, कैपेसिटी 3, 2, 1 कैपेसिटी आ गई, कुल कैपेसिटी कितनी आ गई, 6 आ गई। तो पूछा क्या है, तो वो टैंक को भरने में कितना समय लगेंगे, तीनों नलों को एक साथ खोला जाए, एक साथ खोला जाए, 6 भर रहे हैं एक घंटे में, तो 12 कितने घंटे में भरेंगे, 2 घंटे में। बड़ा इजी क्वेश्चन है, काम समय से पूछ लिया जाता है, कभी नल टंकी से पूछ लिया जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है ये। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन बड़ा है, हार्ड है, बिल्कुल इजी, मैं आपको समझा दूंगा, आंसर बिल्कुल इजी है। क्या कि 0.65 गुना में 0.65, 0.35 गुना में 0.35, प्लस में है, प्लस में 0.70 इंटू में 0.65 है, ठीक है, तो इसका क्या होगा। तो ऐसे देखिए यहां पर आपको ये जोड़ा दिख रहा है, ये जोड़ा दिख रहा है, और ये जोड़ा दिख रहा है, तो ये एक जैसे है तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया, प्लस में ये एक जैसे है तो ये क्या बन गया, बी स्क्वायर बन गया, प्लस में यहां पर देखिए यहां पर ए तो हमारे पास दिख रहा है और ये क्या है 0.70 है, ठीक है 0.70 है, अगर 35 को 2 से गुना करते हैं तब यही आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, अगर 2 से गुना करते हैं तब यही आएगा हमारा, तो अब क्या हो गया, ये क्या हो गया 2ab हो गया। ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, a प्लस बी उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यही हमें बताना है, तो जोड़ देंगे a और b क्या कितना है हमारा, ठीक है, a कितना है हमारा 0.65, प्लस में कितना है 0.35, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 ही आपका क्या हो जाएगा यहां पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1 किस लिए आया, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या है कि 475 के अंकित मूल्य में 15% की छूट दी जाने पर जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। बस सिंपल सा है कि 400 रुपए अंकित मूल्य है, ठीक है, 475 रुपए अंकित मूल्य है, उस पर 15% की छूट दी जा रही है, तो हमसे पूछा है छूट कितने रुपए की होगी, काटना है बस और आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या कर देना, कमेंट कर देना, बिल्कुल इजी है, सिर्फ इसको क्या है काटना ही है, 5 से कट जाएगा सारे, ठीक है, सारे कट रहे, इजीली आएगा, पॉइंट्स में आपका आंसर आएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का हमेशा पूछा जाता है। किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए है, पहले 5% की 10% की छूट दी जाती है, तो उस वस्तु पर कितने की कमी हो जाएगी या कुल कितने रुपए की छूट मिलेगी, यह हमें बताना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस
ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, प्लस माइनस क्यों, जब अगर वृद्धि हो रही होगी तो प्लस का यूज करेंगे, अगर कमी या छूट हो रही होगी तो माइनस का यूज करेंगे। तो बस यहीं पे हम ये करना है। ठीक है, क्या है, छूट कितने की है, पांच की है, पांच की है, माइनस का पांच, फिर माइनस का दस, और ये माइनस माइनस गुना हो गए प्लस बन जाएगा, तो प्लस का पांच गुना दस बटे सो, जीरो से जीरो कैंसिल, पांच से काटा दो पे, एक बटे दो मतलब 0.5, ये कितना हो गया, माइनस का 15 प्लस का 0.5, तो कितना आ जाएगा, माइनस का ही आ जाएगा 14.5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का जीरो, माइनस का 14 आ जाएगा 14.5, और माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब होगा कमी। ठीक है, अगर प्लस होगा तो क्या होगी, वृद्धि, और माइनस का मतलब कमी, तो बस कितने की कमी होगी, 14.5 रुपए की कमी होगी। ठीक है, ये प्रतिशत में आया है और ये 100 दिया हुआ है ना, इसलिए हमने किया। या आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि 100 है, 5% की छूट मतलब 5 रुपए की छूट, तो कितना बच गया, यहां पर 95 बच गया, 95 बच गया। अब 95 पे 10% की छूट है, तो 95 का 10% क्या होगा, 9.5, तो इसमें से हम क्या घटा लेंगे, 9.5 घटाएंगे, तो कितना आ गया, यहां से आ गया 5, 4, तो यहां से आ गया 5, और ये 8, तो ये आ गया 8, तो कितने की कमी हुई है, 100 में से कमी होगी, 100 माइनस 85.5 हो जाएगा। तो अगर 85 होता तो 15 बचता, तो 85.5 है तो 14.5 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आप जिससे चाहो कर सकते हो। देखिए क्या है कि चुनाव वाला, आपको पता है कि हमेशा पूछा जाता है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40% मत मिले, दूसरे को 36, पहले को मिले 40%, दूसरे को मिले 36%, तो कितने हो गए, ये 76% हो गए, तो तीसरा बचा उसको कितने मिलेंगे, 24% मिलेंगे। ठीक है, कुल मतों की संख्या 36,000 थी, तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मिले, कुल मत कितने थे, 100%, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 36,000 एक बराबर बटे में 100, हमें कितने का मान निकालना है, 24 का, क्योंकि तीसरे प्रत्याशी का पूछा है, तो 24% का मान निकाल देंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, अब 36 को 24 से गुना करते ही हमारा यहां पर आंसर निकल के आ जाएगा, तो कर ही लेते हैं, 36 को 24 से करेंगे, 4, 2, 12, 14, ठीक है, और ये 72, तो 4, 6, 864, 864 के आगे एक जीरो लगेगी, 864 के आगे एक जीरो, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए ये ट्रेन वाला है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राम खंबे को गुजरने में 6 सेकंड का समय लेती है। तो देखिए कोई भी ट्रेन है ना, किसी खंबे को पार करेगी, कोई पेड़ को पार करेगी, किसी आदमी को पार करेगी, ठीक है, तो वो स्वयं की लंबाई को पार करेगी, और उस स्वयं की लंबाई कितनी है, 120 मीटर, तो 120 मीटर को 6 सेकंड में पार करती है, तो 1 सेकंड में कितने को करेगी, 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर यहां पर मीटर पर सेकंड में पूछा जाता चाल, या पूछा ना कि ट्रेन की गति क्या होगी या ट्रेन की चाल क्या होगी, तो मीटर पर सेकंड में होता तो आपका हो जाता 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाएंगे तो क्या बताया हुआ है कि 20 गुना में 18/5 से करेंगे। क्यों करेंगे, याद करने की ट्रिक क्या बताई हुई है, अगर बड़ा है, बड़ा बनाना है, छोटा है ना मीटर पर सेकंड, और बड़ा बनाना है तो बड़ा ऊपर लिखेंगे, तो 18/5 से करेंगे, और अगर हमें छोटा बनाना होता तो 5/18 से करते हैं। ठीक है, बस यही है, काट देंगे 5 चौके 20 और 18 चौके 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, उस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। कौन सी, 72 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर एक में। ठीक है, दिखा देता हूं ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, अगर कोई भी ट्रेन है ना खंबे को पार करेगी, पेड़ को पार करेगी, किसी पोल को पार करेगी, या यहां पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये इन चीजों को किसी आदमी को पार करेगी, तो वो स्वयं की लंबाई को ही पार करेगी, लेकिन इसके अलावा अगर प्लेटफॉर्म होगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी जोड़ेंगे। ठीक है, अगर दूसरी ट्रेन दे दी जाएगी तो दूसरी ट्रेन की लंबाई को भी जोड़ेंगे, या इसके अलावा कोई पुल दे दिया जाएगा उसकी लंबाई को भी जोड़ेंगे, लेकिन इनकी लंबाई को नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, और जो क्लासेस करेंगे अच्छे से समझा दूंगा आपको। देखिए क्या है कि 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4%,
दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी? तो देखिए क्या है कि 250 रुपए है, 4% ब्याज मिल रहा है, तो पहले साल 10 रुपए ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 8% है, तो 8% मतलब 20 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 4% 10 होता है, तो 8% 20 हो जाएगा। लेकिन 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 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो इसका भी 8% कितना होगा, 0.8 होगा, ठीक है। तो कुल कितना ब्याज मिलेगा, ये 30.8 मिलेगा। तो हमसे पूछा है कि राशि कितनी हो जाएगी, 250 है, 250 में 30.8 जोड़ देंगे तो 280.8 आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 280.8। ये जीरो आगे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 280.8 यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये ट्रिक मैंने आपको समझाई हुई है। आगे देखिए क्या है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, और ये मैं आपको जब प्रतिशत की क्लास आएगी उसमें भी मैं आपको करवाने वाला हूं, और सबसे पहले जो हमारी मैथ की क्लास आएगी एसएससीजीडी के लिए, वो प्रतिशत की होगी और वो तैयार हो चुकी है। क्या है कि 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, ठीक है, 8% का नुकसान हुआ, तो कंटेनर में कितना तेल बचा, 92% तेल बचा, क्योंकि क्या है था 100% था, उसमें से 8% का नुकसान हो गया, तो 92% तेल बचा हुआ है, तो हमें 400 लीटर का 92% निकाल देंगे, 400 का 92% निकालेंगे तो 20 से 20 कैंसिल, 836, 368 लीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना तेल बचा हुआ है, 368 लीटर बचा हुआ है। आगे देखिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यदि कोई राशि का योग साधारण ब्याज की दर से चौथे और पांचवें वर्ष में इतना और इतना हो जाता है, चौथे वर्ष में पांचवें वर्ष में, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। देखिए यहां पर हम देखेंगे कि इनमें अंतर कितने का है, तो जो अंतर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि एक साल में कितना ब्याज मिलता है, यह हमें पता चल जाएगा। तो आप क्या करना है, यहां पर चार और पांच साल दिया हुआ है, तो जो ब्याज होगा उसको चार से गुना करके इसमें घटा लेना, तो वो हमें राशि पता चल जाएगी, ठीक है, राशि पता चल जाएगी। तो ब्याज आपको पता है, राशि आपको पता है, दर निकालनी है, प्रतिशत आप निकाल दोगे, ठीक है, और निकाल के क्या कर देना, कमेंट कर देना, वरना मैं क्लासेज में तो आपको समझा ही दूंगा, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। अंतर निकालोगे, वो इनका ब्याज हो जाएगा एक साल का, इसमें चार से गुना करोगे घटाओगे तो आपको राशि मिल जाएगी, इसको पांच से गुना करोगे क्योंकि ये पांच साल का है, तो जो आपका ब्याज आएगा उसको पांच से गुना करके इसमें घटाओगे तो भी राशि प्राप्त होगी, दोनों से सेम ही राशि प्राप्त होगी, ठीक है, और जो ब्याज पता है राशि पता है तो प्रतिशत निकालने में क्या दिक्कत है, ब्याज ऊपर नीचे राशि गुना में सो प्रतिशत निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमने पूरा जिम्मा लिया है एसएससी जीडी में आपको सिलेक्शन दिलाने का। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।